रेडी। अब तो प्रकृति का बदलता स्वभाव सबको साफ समझ आने लगा है, हालांकि ज़्यादा पुरानी बात नहीं, लेकिन यकीनन किससे कहानियों सी लगती है जब गांवों में खपरेल के कच्चे मकान होते थे और चारपाई पर घरों के बाहर गहरी और बेफिक्री नींद सोते थे। ना मच्छर का डर, ना बजबजाती नालियों की बदबू। मगर 2-3 दशक में ही सब कुछ तेजी से बदल गया। विकास के नाम पर बड़ी बड़ी बहुमंजिला इमारतें, घरों की पतली सीमेंट की दीवारें और इनके जल्द ठंडे या गर्म होने से कमरों के अंदर का हर दिन बदलता तापमान, तपते आंगन, तलवे जलाती कंक्रीट की सड़कें और घरों के सामने बजबजाती नालियाँ, भिन-भिनाते मच्छर, मक्खियाँ, इस विकास के नाम पर बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन के दौर में पहुंचकर हम इतराएं, घबराएं या सिर धुने, मगर विडंबना है कि सारा कुछ जलवायु परिवर्तन के मड़कर बेफिक्री की चादर ओढ़े एसी, कूलर और मच्छरदानी के अंदर कैद होकर भी नहीं समझ पा रहा है कि प्रकृति के जिस बदलाव को हमने देखा है वह किसकी देन है। संकट में कौन है? पृथ्वी, आसमान, पाताल, इंसान या सभी? पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ रहा है, इसका असर जलवायु पर कितने व्यापक तरीके से पड़ रहा है सब सामने है। हर वर्ष बदलता मौसम, समुद्र का बढ़ता स्तर, बर्फ का लगातार पिघलना, लू, भारी बारिश, आंधी, तूफान, तड़ित झंझा और दावानल, जिसमें पहाड़ों के जंगल धक धक उठते हैं। लगता है कि प्रकृति अपने रौद्र रूप में आ गई है, मगर हम यह क्यों नहीं विचारते कि ऐसा क्यों है। आज वैज्ञानिक भी कहते हैं कि तपिस, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, पूरी तरह मानव जनित है। पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैसें ही गर्मी को रोकने वाली गैसों का एक प्रकृति प्रदत्त आवरण है। इसकी तुलना उस कंबल से की जा सकती है जो पृथ्वी को उतना ही गर्म रखती है जितनी ज़रूरत है। मगर जब यही दूषित हो जाएंगी तो संतुलन तो बिगड़ेगा ही। ग्रीन हाउस गैसों के संतुलन का यह आवरण जितना डगमगाएगा या दूषित होगा, ग्लेशियर भी उतने ही पिघलते जाएंगे, जो अब अक्सर दिखने लगा है। जिस तेजी से जलवायु परिवर्तन हो रहा है वैसा पहले नहीं था। आज तो साफ साफ दिखने लगा है कि इससे हमारे भोजन पानी तक की पूरी व्यवस्था प्रभावित है। कृषि पर जलवायु परिवर्तन का सीधा असर पड़ रहा है। शहर चंद हफ्तों के लिए गैस चैम्बर में बदल जाते हैं। हमारी
यह प्रवृत्ति पारिस्थितिक तंत्र के साथ हमारी मानव प्रणालियों के पतन का कारण भी बनेंगी। स्टॉप।